जैसा कि हम लोग बिहार के स्टेट में आप सभी लोग समझ मतलब पूरा डाटा जो है ब्यौरा आप समझ पा गए होंगे कि स्टेट अपीयरिंग वालों को बाहर कर दिया गया TRE 3 में। तो अब ये स्टेट वाले क्या करें, अच्छी से तैयारी करें और TRE 4 के लिए एकदम ज़ोरदार मेहनत करके नौकरी पक्की करें। तो उसी के साथ हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के साथ है, जो स्टेट पेपर फर्स्ट के लिए, जो 9th और 10th के लिए है, उसके लिए बातें करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर केमिस्ट्री से कार्बन या कार्बनिक पदार्थों में से कार्बनिक यौगिक और उनके अपर रूप चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैंने नॉर्मली लिया है और इसमें बहुत सारी बातें हो जाएंगी आप लोगों की। तो बात यह है कि पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन, तो देखिए यहाँ पर ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह पूछा है। तो क्रियात्मक समूह होता है यानी क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, सबसे पहले तो बड़ी बात ये होती है ये समझना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी कि जिसकी वजह से कोई यौगिक पहचाना जाए उसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह। जिस पर कोई यौगिक निर्भर करता है उसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो ब्यूटेनोन यानी कि अगर ब्यूटेनोन, तो ब्यूट का मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए, लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है CHO, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, और यहाँ पर COOH दिया गया है। तो ब्यूटेनोन का मतलब है कि जिसमें कीटोन ग्रुप, तो कीटोन ग्रुप आपका यहाँ पर है, ये वाला कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है यानी अल, और ये आपका आल है, ठीक है ना, यानी एल्कोहल ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो पूछा है नोन यानी कि ओन ग्रुप पूछा है कीटोन के रूप में, तो सी डबल बॉन्ड ओ का होगा और 2 बॉन्ड कार्बन की फ्री रहती है किसी दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो बात है, एक OH होता है, इसको हम कहते हैं आल है, ठीक है ना, आल, ये आल है। अगर CHO ग्रुप मिलता है इसको हम कहते हैं अल। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को कि यहाँ पर अल और आल, अल होगा CHO और आल होगा OH, मतलब एल्कोहल ग्रुप को आल बोलेंगे और एल्डिहाइड को अल बोलेंगे, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है प्रोपेनॉल, अब यहाँ पे आ गया दूसरा प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या है पूछा है, इसमें से 4 C3H4OH है, C2H5OH है, या फिर C3H6O है, या फिर C3H7OH है। तो हम आपको ये सिद्ध करें कि भाई देखिए यहाँ पर, अब इतने भी आप लोग ऐसे भी नहीं इतने कमज़ोर कि भाई तैयारी कर रहे हैं और 9th-10th लेवल की। तो यहाँ पर देखिए प्रोप का मतलब क्या होता है भाई, प्रोप का मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो 3 होंगे, तो 3 कार्बन, तो भैया ये दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर इसका साथ छोड़ दीजिए आप, अब इसमें आ जाइए। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं C3H4, तो अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है ना, एक के साथ OH जोड़ दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो अब बैलेंस ही नहीं पूरी हो रही यहाँ पर कार्बन की, यहाँ पर कम पड़ रहा है, यहाँ यहाँ पर कम पड़ रहा है, इसका मतलब ये पहला भी नहीं होगा। दूसरा देखें यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पे आते हैं C3H7, ठीक है ना, C3H7 पे आते हैं एक बार फिर से, चौथे वाले पे देखते हैं 1 2 3, एक पे OH जोड़ दीजिए, ये वाला 3 कार्बन है, तो 1 2 3 हो गए 3 कार्बन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 और 7, यानी आपका जो प्रोपेनॉल है वो आपका C3H7OH होगा। ये इस तरह से आप समझेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा IUPAC पद्धति में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी बातें आपके सामने होगी। जय हिंद दोस्तों।